नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। उत्तर प्रदेश में दो चरण के मतदान खत्म हो चुके हैं। तीसरे चरण के लिए वोटिंग 20 फरवरी को है। पांच चरणों के मतदान अभी बाकी हैं। उम्मीदवारों की लिस्ट भी लगभग फाइनल हो चुकी है। इस बीच बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए एक और सूची जारी की है। इस सूची में तीन उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। तो चलिए आपको तीनों उम्मीदवार के नाम बता देते हैं। लिस्ट में पहला नाम नील रतन सिंह पटेल का है, जिन्हें पार्टी ने सेवापुरी विधानसभा सीट से टिकट दिया है। दूसरा नाम भूपेश चौबे का है, पार्टी ने रॉबर्टगंज से भूपेश चौबे को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं सूची में तीसरे नाम रामदुलार गौड़ का है, रामदुलार गौड़ को दुधी से टिकट दिया गया है। इन तीनों सीटों पर सातवें और अंतिम चरण में मतदान डाले जाएंगे। बीजेपी ने जिन तीन सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, पार्टी ने उनमें से दो सीटें 2017 में अपनी सहयोगी अपना दल एस को दी थी। नील रतन सिंह पटेल 2017 विधानसभा चुनाव में भी इसी सीट से अपना दल के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीत हासिल की थी। हालांकि इस बार बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा सोनभद्र जिले की रॉबर्टगंज सीट पर बीजेपी ने मौजूदा विधायक भूपेश चौबे को दोबारा टिकट दिया है। वहीं सोनभद्र के दुधी सीट से रामदुलार गौड़ को चुनावी मैदान में उतारा गया है। ये सीट 2017 के चुनावी मैदान में बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल एस को दी थी। इस सीट पर अपना दल के प्रत्याशी हरे राम चीरो चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने यह सीट वापस ले ली है। इस तरह बीजेपी अब तक 369, गठबंधन के सहयोगी अपना दल एस 15 और निषाद पार्टी 16 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। इस तरह से कुल 400 प्रत्याशी मैदान में हैं और बाकी के तीन सीटों पर मंथन चल रहा है। अपना दल और निषाद पार्टी दोनों का ही दावा है कि अभी उन्हें कुछ और सीटें मिल सकती हैं। ऐसे में देखना होगा कि ये तीन सीट पर किनके उम्मीदवार चुनावी मैदान में आते हैं। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।